तैयारी 2.0 का रिजल्ट डेट घोषित। जी हां फ्रेंड्स, कक्षा 1 से लेकर 12 तक और जो ईवीसी कल्याण या एसिस्ट वेलफेयर का जो था, उन सभी का रिजल्ट जो है एक साथ पब्लिश किया जाएगा। रिजल्ट डेट जो है बता दिया गया है, मैं आपको दिखाने वाला हूं कब आपका रिजल्ट आएगा और कटअप के साथ रिजल्ट तैयार होगा। आप सभी को देखना है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पिछले बार बीपीएससी टीआरई 1.0 का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद में बहुत सारे जो है यूट्यूब पर आप कटअप देखते होंगे, इतना जाएगा, बट उतना नहीं गया। साफ उतार चढ़ाव हो गया, जितना मन है वहाँ कटअप हाई चल गया, जिसके कारण बहुत सारे अभी लाखों बच्चे जो है वह परेशानी में है और सड़क पर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे, क्योंकि फर्स्ट जो टीआरई 1.0 में जो रिजल्ट आई है उसमें बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि फिल्टराइजेशन करना, जैसे कि मान लीजिए मल्टीपल रिजल्ट से वो वाला, ठीक है ना, फिर आपका फर्जी जो अपीयरिंग में थे वो वाला, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो, इसीलिए मल्टीपल रिजल्ट वाले के लिए भी वन कैंडिडेट वन जॉब मिलना चाहिए, इस तरीका से यहाँ पर सिस्टम लाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पर बीपीएससी आयोग द्वारा प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ मैं कटअप के ऊपर में चर्चा करूँगा और किन कैटेगरी में कम नंबर जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरा इतना नंबर है इस कैटेगरी से है, क्या इस कैटेगरी में कम जाएगा कि नहीं। जनरल में तो हाई जाएगा क्योंकि अदर स्टेट वाले बच्चे आएंगे, लेकिन इस कैटेगरी में कम जाएगा कि नहीं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। सबसे पहले तो मैं बता दूँ 1.22 लाख अध्यापकों की नियुक्ति जल्द, एग्जाम समाप्त हुआ, ठीक है ना। राज्य में 1,22,286 अध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी, यह नियुक्ति दूसरे चरण की है और देख रहे हो कि कितनी जल्दी में एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हुआ, कितनी जल्दी में आपका एडमिट कार्ड आया और एग्ज़ाम भी खत्म हो गया। अब जो है ओएमआर सीट भी जारी कर दिया गया, प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर दिया गया और आपत्ति आप कर सकते हो अगर आपको उस आंसर की में कहीं दिक्कत है तो। उसके बाद में तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इतनी जल्दी में काम हुआ और रिजल्ट भी है, बहुत ही जल्द पोस्ट हो जाएगी। कब होगी तो देखिए इसी माह के अंत तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो इसी माह के अंत तक रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। राज्य के दूसरे चरण में अध्यापकों के नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू हुई थी जो 15 दिसंबर को समाप्त हो गई थी। पहले दिन प्रथम पाली में हुआ था, उसके बाद में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और SC/ST कल्याण विभाग स्कूलों में 31 प्रधानाध्यापकों के लिए परीक्षा हुई थी। उसी दिन दूसरी पाली में 2:30 बजे हुई थी संगीत और कला के लिए। तो इस तरीका से देख सकते हो कि लगभग सभी जो है एग्ज़ाम खत्म हो गया और परीक्षा फल जो है बताया जा रहा है परीक्षा फल जल्द जारी होगा और आप लोगों का परीक्षा फल ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। लगभग 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने जो है फॉर्म फिलअप किया था और वो एग्ज़ाम भी दिए थे और वे सभी अब रिजल्ट का इंतज़ार में हैं। तो रिजल्ट जो है आप सभी का जल्द ही पब्लिश किया जाएगा इसी मंथ के एंड तक। आज जो है 16 तारीख हो गया और उम्मीद है कि 10 से 14 दिन के बीच में आपको कभी भी रिजल्ट आउट कर दिया जा सकता है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि 15 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में आपको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा उसी तरीका से गांधी मैदान में, और बोला जाएगा कि 1,22,000 शिक्षकों के यहाँ पर जॉब हो गई है, ठीक है ना। तो यही था फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो भी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट सेकेंड लिस्ट बीपीएससी टीआरई 1.0 में जिनका सेकेंड लिस्ट में नाम आया है उनके लिए मैं ऑलरेडी एक ग्रुप बना दिया हूँ ताकि वे उनका एक इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलता रहे। तो वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में होगा, आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो और देख सकते हो। और कटअप के रिगार्डिंग भी आप लोगों का कमेंट रहेगा तो मैं कटअप के रिगार्डिंग सटीक कटअप बता दूंगा, जो कि मैं वोटिंग किया हूं ऑलरेडी, आप लोग भी वोटिंग कर सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में जाके। उसके बाद मैं कटअप के लिए भी मैं वीडियो जल्द ही पोस्ट कर दूंगा, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।